ये और ये देखो, रात को अभी नाचने का प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना? है ना कोमल? हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो देखो यार, अभी मॉर्निंग में पहला मैच है हमारा बड़ौदा सिटी के सामने, लेकिन उससे पहले देखो हमारी प्लेयर फुल ऑन रेडी, अभी वार्म अप कर रही है। और देखो कल हमने दो मैच खेले हैं, पहले दाऊद के सामने खेला था तो दाऊद को 7-0 से हराया था हमने, और उसके बाद शाम को हमने डांग की टीम के साथ खेला था तो डांग की टीम को भी 3-1 से हराया था। और देखो उसमें खास बात यही थी कि डांग की टीम है ना, यहाँ की प्रबल दावेदार मानी जाती थी, सबसे मजबूत टीम थी, तो उसको भी हमने 3-1 से हरा दिया। आगे क्या कुछ होता है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारा ट्रायल रहेगा सभी मैच हम जीते। और देखो हमारी प्लेयर भी फुल ऑन कॉन्फिडेंस है, अभी उसको पूरा कॉन्फिडेंस है, कुछ थोड़ी सी डिप्रेशन में आ जाती है कभी कभी, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ रहकर उसको। किंजल थक लगा क्या? हाँ थक गई। सजल तू अभी थकना नहीं है, बराबर 3 मैचेस खेलने हैं, अभी एक लीग राउंड का खेलना है, उसके बाद जीत के सेमीफाइनल खेलना है, बराबर उसके बाद फाइनल खेलना है। उपचंद क्या बोलते हो आप, कुछ बोलना है? नहीं बोलना। कोमल तुझे? चलो कोई बात नहीं, देखो जानवी अच्छा खेल रही है अभी। जानवी, सोनू, केसर और उर्मिला बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहे हैं अभी, जो क्रिकेट में फॉर्म में प्लेयर चलता है ना उस प्रकार फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाते हैं, ज़बरदस्त खेलते हैं, ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं। और देखो ये प्लेयर हमारा ग्राउंड में खेलते खेलते बहुत ज़्यादा हंसता है, तो सभी सामने वाले प्लेयरों को बहुत मज़ा आता है। उर्मिला आज कैसा खेलना है बताओ, सच सच, हाँ सच सच बताओ, चलो अच्छा खेलना है कि नहीं खेलना? चलो बोलो। तो देखो यार, बड़ौदा के सामने हमारी मैच चल रही है और हाफ टाइम तक हमारी टीम ने 5-0 की लीड बना ली है, 5 गोल मार दिए है। किस प्लेयर ने गोल लगाया मुझे बताओ? उर्मिला ने कितने लगाए? 4 गोल अकेली उर्मिला ने लगाए और एक गोल जल्दी कहाँ है ये बैठी जल्दी। और बाकी तो सब बढ़िया कर रहे हैं, अपना 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आज डिफेंस को कोई मौका नहीं मिला डिफेंस करने का तो कोई बात नहीं। देखो 3 मैच हमें लीग राउंड की ये लास्ट मैच है, तो लास्ट मैच शायद हम जीत रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पोल में हम टॉप कर रहे हैं, तो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं अभी से मैं बोल रहा हूँ। तो करो दबा कर लाइक एंड शेयर दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमने बड़ौदा को 5-0 से हरा दिया है। लास्ट क्वार्टर उन लोगों ने नहीं खेला, मना कर दिया कि हमें नहीं खेलना है, क्योंकि हमारी कौन सी प्लेयर ने, सोनल ने हिट लगाई थी बहुत ख़तरनाक, तो उसको हाथ पर लगी थी, तो वो एक बड़ौदा का प्लेयर घायल हुआ था। और देखो अभी हम चाय की चुस्की ले रहे हैं, अभी थोड़ा बिल्कुल शांत हो गए हमारे सभी प्लेयर जीत के। अभी शाम को 5 बजे के बाद सेमीफाइनल खेलेंगे हम नवसारी के सामने, तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं फाइनल में। चलो एक बार मैं बताता हूँ, देखो भाई फाइनल में सेमीफाइनल में जीतोगे ना? जानवी क्या बोलती है, कैप्टन साहब क्या बोलते हैं, जीतोगे? देखो आज बढ़िया परफॉर्मेंस किया, 5 में से 4 गोल हमारी उर्मिला ने किए हैं, नहीं जाना। और देखो अभी जब हम घर जाएंगे ना, तब हमारे गांव वाले और जो ये हमारी प्लेयर है ना, उसके मदर फादर बहुत ज़ोरदार स्वागत करेंगे डीजे के साथ। और हमारी उर्मिला और कौन थी दूसरी, हाँ ये और ये देखो, रात को अभी नाचने का प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना? है ना कोमल? रात को यार हमारी लीग राउंड की तीनों मैच समाप्त हो चुकी है, तीनों मैचों में हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सबसे पहले
राहुल को 7-0 से हराया। उसके बाद डैन की मजबूत टीम थी, उसको हमने 3-1 से हराया। और अभी अभी हम खेल के आए हैं बड़ौदा सिटी के सामने, बड़ौदा सिटी को भी हमने 6-0 से हराया, है ना, 6-0। तो कुल मिला के हमने लीग राउंड में 3 मैच खेले और तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है हमारी टीम ने। तो अभी लगभग नहीं, सेमीफाइनल में हम पहुंच चुके हैं। तो अभी शाम को हमारा सेमीफाइनल होगा और देखो हमारे साथ हमारे मित्र शायद सुरेंद्र नगर से टीम लेके आए हैं। हम पिछले 2 दिनों से साथ ही रह रहे हैं, साथ खाना पीना और रहना, तो हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन सर आज निकल रहे हैं, है ना, सर शाम को निकल जाएंगे क्योंकि उनकी टीम ऑलरेडी हार चुकी है, सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है ना, सेमीफाइनल में एंटर नहीं हुई है। तो सर आज जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे हमारी रूम में भी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। और लेकिन देखो देखो एक बात और, हमारी सीनियर टीम में हमारी सोनल खेलती है, सोनल कुमारी ठाकुर, उसके पिताजी का देहांत हो गया, हमें ये सुन के बहुत दुख हुआ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखो जो होनी है उसको अनहोनी नहीं कर सकते। लेकिन बस हमको प्रार्थना कर सकते हैं यहाँ से कि सुनल के पिताजी को आत्मा को भगवान शांति दे और स्वर्ग में स्थान दे। तो यही हो तो कुछ ये नहीं, शाम की नई वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन तब तक वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय।